दोस्तों समकालीन भारत की जो राजनीति है उसके अगर इतिहास को दर्ज कोई करेगा भविष्य में तो 7 जुलाई 2023 बहुत महत्व की तारीख बन जाएगी। महत्व की इसलिए कि गुजरात के हाई कोर्ट ने इसी 7 जुलाई को जो अपना आदेश जारी किया राहुल गांधी की उस याचिका पर जिसमें उन्होंने अपने कन्विक्शन जो कन्विक्ट किया था उनको लोअर कोर्ट ने उस कन्विक्शन को स्टे करने का अनुरोध किया था माननीय हाई कोर्ट से। एक जज की जो बेंच है गुजरात हाई कोर्ट की उसने न केवल सिरे से खारिज उसको कर दिया याचिका को राहुल गांधी की बल्कि राहुल गांधी पर कई ऐसी टिप्पणियां कर दी जिनको बड़े बड़े न्यायाधीश जो देश के हैं वो भी गैर जरूरी मानते हैं। उनका मानना है कि कोर्ट का फैसला अपनी जगह है लेकिन जो टिप्पणियां कई की गई हैं खासकर उनके विरुद्ध विभिन्न अदालतों में जो मामले लंबित हैं और वो भी आरोप केवल हैं, बहुत सारे मामलों में पड़ताल भी ठीक से नहीं हुई है, जजमेंट का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, उसको भी जजमेंट में उसको भी रिफर कर दिया गया है कि साहब सावरकर के विरुद्ध आपने ऐसी बयानबाजी की जबकि उसमें कोई ना फैसला आया है ना कुछ आया है। लेकिन ये भी माननीय हाई कोर्ट के फैसले में ये रिफरेंस के तौर पे दर्ज है। तो बहुत सारी बातें इस कोर्ट फैसले के बारे में कही जा रही हैं। तो 7 जुलाई को ये भी हुआ और 7 जुलाई को ही देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रायपुर में जो संकल्प रैली अपनी पार्टी की जो आयोजित थी और जिसको उन्होंने संबोधित किया उसमें अपनी तरफ से कुछ गारंटी की चर्चा की और वो गारंटी भी उनकी कमाल की थी, अद्भुत थी। तो प्रधानमंत्री ने रायपुर में 7 जुलाई को जो कहा वो ये है कि देश के हर भ्रष्टाचारी को कान खोलकर सुन लेना चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है, जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। अब सवाल इस बात का है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का काम देश का प्रशासन शासन उसको देखना है, न्याय करना तो अदालतों का काम है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई बचेगा ही नहीं यानी न्याय वही कर देंगे। सवाल इस बात का है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और देश के सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव पद पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या ये भाषण में कहना उपयुक्त है जबकि देश के सामने इतनी सारी चुनौतियां हैं, देश के सामने स्वास्थ्य की समस्या है, रोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, महंगाई की समस्या है, इतनी भयानक बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन प्रधानमंत्री का ध्यान इन चीजों पर है कि कैसे लोग जो हैं इस देश में जितने उनके राइवल्स हैं जितने उनके प्रतिद्वंदी हैं खासतौर पर वे जेल की हवा खाए या उन पर कम से कम केसेज लंबित रहे। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जितनी इस तरह की एजेंसियां हैं वे सारी की सारी एजेंसियां विपक्ष पर लगी हुई हैं। क्या आपको हमको किसी को भी या मीडिया में भी कहीं कभी किसी ने खबर देखी है कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार के किसी बड़े ओहदेदार के खिलाफ ईडी जांच कर रही है या छापा मार रही है? जितनी जांचें हो रही हैं जितनी छापे पड़ रहे हैं वो सारे के सारे विपक्षियों पर या जो सरकार से असहमत लोग हैं उन पर। तो इसलिए दोस्तों ये जो राहुल गांधी का जजमेंट आया है अब जाहिर है उनकी पार्टी और वो फैसला कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करें और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर राहत नहीं मिलती है राहुल गांधी को तो न केवल 2 साल जेल जाना पड़ेगा बल्कि 6 साल के लिए वो चुनाव लड़ने के अधिकार से भी वंचित हो जाएंगे। तो केवल 2024 का नहीं अगला इलेक्शन भी उसमें प्रभावित होगा उनका। लेकिन दोस्तों मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मैं चाहता हूं कि आप एक क्रम देखिए, एक सिलसिला देखिए कि कैसे राहुल गांधी की केस में कहां क्या हो रहा है। अप्रैल 13, 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक में कोलार जगह है वहां पर उन्होंने अपने भाषण में वह कंट्रोवर्सियल कथित डेरोगेटरी रिमार्क कहा जिस पर उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के
एक विधायक जो मंत्री भी रह चुके हैं संजोग बस, वो भी गुजरात के हैं, उन्होंने केस कर दी। और उसमें हुआ ये कि 16 अप्रैल को बीजेपी के एमएलए साहब पूर्णेश मोदी साहब फाइल करते हैं डिफेमेशन कंप्लेंट, 2 मई को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं इशू करते हैं समन गांधी जी को, राहुल गांधी को, और अक्टूबर 10 को राहुल गांधी कोर्ट में अपीयर होते हैं और अपने को बेकसूर साबित करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मैं बेकसूर हूं, मैंने किसी की मानहानि नहीं किया, मैंने कुछ बातें कही हैं, लेकिन ये किसी आदरणीय पूर्णेश मोदी या किसी अन्य को इसमें हमने लांछित करने की कोशिश नहीं किया है। फिर 7 मार्च 2022, याद रखिएगा, 2019 के बाद आता है मामला 2022 का, गुजरात हाईकोर्ट स्टे कर देता है पूर्णेश मोदी की प्ली को, उनकी 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 जो याचिका है, उनकी उनकी जो दलील है। और फरवरी 22 2023 को गुजरात हाई कोर्ट वेकेट कर देता है उस स्टे को, वेकेट कर देता है। इस बीच में बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं होती रहती हैं। फिर 23 मार्च को सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी को गिल्टी माना जाता है और 2 साल की उनको जेल हो जाती है, सजा सुनाई जाती है। 24 मार्च को राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई होते हैं लोकसभा से, वायनाड की जो लोकसभा की सीट है वो रिक्त हो जाती है। 20 अप्रैल 2023 को सेशन कोर्ट जो सूरत की है उसमें अपील होती है और फिर मामला सेंटेंस को सस्पेंड करने का आदेश होता है, लेकिन कन्विक्शन पर जो स्टे है वो नहीं मिलता, कन्विक्शन बना रहता है। अप्रैल 26 को राहुल गांधी फिर हाई कोर्ट गुजरात की मूव करते हैं और कहते हैं कि उनके कन्विक्शन को स्टे किया जाए ताकि पार्लियामेंट्री अपने रोल को वो कर सके। 2 मई को हियरिंग कंप्लीट हो जाती है, याद कीजिए, 2 मई को हियरिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी फैसले का इंतजार होता है, लेकिन फैसला 66 दिन के बाद 7 जुलाई को आता है और हाईकोर्ट राहुल गांधी की प्ली को रिजेक्ट कर देती है स्टे करने का कन्विक्शन, यानी कन्विक्शन स्टे नहीं होगा, ये आदेश आ जाता है। दोस्तों 22 फरवरी 2023 को जब गुजरात हाईकोर्ट वेकेट करता है स्टे, उसके पहले राजनीति में क्या होता है, कोर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो अपने देश की राजनीतिक स्थिति है उसमें क्या क्या होता है। दोस्तों उसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है उसी के पहले, और काफी कई महीने कई सप्ताह तक हंगामा चलता है पूरे देश में, मोदी सरकार पर सवाल उठते हैं और मोदी सरकार पर सवाल उठने के क्रम में ही उसी दौर में पार्लियामेंट का सेशन होता है। पार्लियामेंट के सेशन में राहुल गांधी फरवरी महीने के ही शुरू के दौर में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के संदर्भ में सरकार पर जबरदस्त हमला करते हैं, इतना जबरदस्त हमला करते हैं कि सत्ताधारी दल और सरकार की अपील पर 18 जगह उनके उनके जो भाषण के अंश हैं वो एक्सपंज किए जाते हैं, यानी उनको हटाया जाता है सदन की कार्रवाई से। ये सारा घटनाक्रम होता है, इसी क्रम में ये बात की जो बातें हमने कही हैं उनको भी देखा जा सकता है कि आखिर क्या क्यों भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो राहुल गांधी से इतने क्यों नाराज हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं। तो ये बहुत गौर करने वाली बात है कि राजनीति में क्या क्या होता है और कोर्ट में क्या क्या होता है, दोनों के बीच में रिश्ता क्या बनता है या कोई रिश्ता नहीं बनता है, ये मैं अपने श्रोताओं पर छोड़ता हूं। दोस्तों दूसरी जो बात है जो कहा जा रहा है कि आखिर ये विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों हो रहा है, अब आप देखिए राहुल गांधी पर एक ऐसा मामला डाला गया जो मानहानि का है, मानहानि के मामले में 2 साल की सजा आज तक भारत के इतिहास में किसी को नहीं हुई, और मैं अपने कई न्यायविद जो नुमा स्कॉलर्स हैं जर्नलिस्ट हैं उनसे भी मैंने पूछा तो लोग बताते हैं कि शायद पूरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, यानी दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के अगर देखा जाए इतिहास में, तो आधुनिक दौर में ऐसी
वो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता जिसमें किसी बड़े पॉलिटिशियन को या किसी नामी गिरामी व्यक्ति को मानहानि के मामले में 2 साल की मैक्सिमम सजा जो अपने देश में है वो सुनाई गई हो। तो ये अपने आप में अनहोनी घटना है, बिल्कुल अनहोनी है। इसके पहले मानहानि के जो मामले आते रहे कभी। दूसरी बात दोस्तों कि मानहानि का जो पूरा का पूरा मामला है अपने आप में बेहद कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि देश में मीडिया से लेकर के और न्याय जगत के अनेक लोग, मानवाधिकार के जो कार्यकर्ता हैं, नागरिक अधिकारों के जो अपने को चैंपियन मानने वाले लोग हैं, वो लगातार कहते रहे कि इस देश में मानहानि को सिविल मामला रखा जाना चाहिए, इसको फौजदारी या क्रिमिनल मामला नहीं बनाया जाना चाहिए, आपराधिक मामला नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन जो राहुल गांधी की सजा है वो आपराधिक मानहानि के मामले में है। तो यह भी देखने की बात है कि जिसको सिरे से लोग खारिज करते रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के लोग, मानवाधिकार के लोग, इसके अलावा मीडिया में आवाजें उठती रही हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कहते रहे हैं कि मानहानि के नाम पर हो ये रहा है कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार और व्यक्ति की आजादी पर लगातार कुठाराघात होता रहा है इस देश में। प्रेस का गला घोंटने का काम भी आपराधिक मानहानि के डंडे से किया जाता रहा है। उसी मामले में देश के विपक्ष के सबसे प्रमुख नेता उसको सजा सुनाई जाती है, अपने आप में यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों ऐसे में कई लोग अटकलें लगाते हैं, सवाल करते हैं कि आज की तारीख में 2024 के चुनाव से पहले का अगर सिनारियो देखें तो राहुल गांधी, हाई कोर्ट के स्तर से तो ये बात हो गई कि भाई उनकी सजा बरकरार रहेगी, कल्पना कीजिए वो जेल चले जाते हैं। इस बीच में घटना और घटी है कि बिहार के सबसे जो प्रमुख विपक्ष के स्टार लीडर हैं तेजस्वी यादव, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और सत्ताधारी जो गठबंधन है उसके सबसे बड़े दल के सबसे प्रमुख नेता हैं आरजेडी के, और माना जाता है कि इस महागठबंधन या जो भी उसका नाम पड़े, यूपीए नाम पड़े या जो भी नाम पड़े, उसके वो एक प्रमुख व्यक्ति हैं और राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। उनको चार्जशीट उन पर भी हो गई, उनके माता पिता पर तो खैर पहले से ही मुकदमे रहे हैं, जेल भी गए हैं लालू यादव, उन पर कन्विक्शन भी उनका हो चुका है, लेकिन और एक चार्जशीट उनके खिलाफ दायर हुई और साथ में साथ उनके पुत्र पर भी हुई। अब लोगों का यह भी कहना है कि साहब जिस मामले में चार्जशीट हुई है उस वक्त तो तेजस्वी यादव राजनीति में भी नहीं थे और शायद उनकी उम्र भी इतनी नहीं थी, नाबालिग शायद थे, लेकिन वो भी चार्जशीटेड अब हैं। शरद पवार जो इस विपक्षी महागठबंधन के एक प्रमुख किरदार हैं, उनकी पार्टी इसी बीच में डिवाइड हो गई, डिवीजन स्प्लिट हो गए और उनके 3 प्रमुख नेता मंत्री बन गए, 2 एक अभी मंत्री हो सकता है कि वो केंद्र में मंत्री बन जाए, लेकिन छगन भुजबल और अजित पवार जैसे 2 बड़े दिग्गज शरद पवार के नजदीकी वो दोनों मंत्री बन गए फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे की सरकार में। कुछ और पार्टियों में भी इसी तरह की खलबली मची हुई है। नीतीश कुमार जी जेडीयू के नेता और मुख्यमंत्री, उनके एक सहयोगी थे सहयोगी दल के जीतन राम मांझी, वो भी चले गए एनडीए की तरफ, कुछ और लोग जाने की चर्चा है। तो ऐसे में क्या योजना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है क्या वो ये चाहती है कि 2024 से पहले विपक्ष का कोई गठबंधन आकार न ले सके और इसी बीच में लोकसभा चुनाव हो जाए जिसे उसे कोई ज्यादा मशक्कत न करनी पड़े, कोई मेहनत न करनी पड़े, कोई कैंपेन करने वाला न बचे, बड़े बड़े स्टार जो लीडर हैं, स्टार अपोजिशन लीडर हैं, वो सब या तो जेल में हो या उन पर जेल जाने की तलवार लटकती रहे, दहशत में रहें, और उनके बहाने अन्य जो विपक्षी नेता हैं उनको भी एक तरह से चेतावनी मिलती रहे। तो प्रधानमंत्री ने जो रायपुर की और वो भी संयोग 7 जुलाई को ही उनकी रैली थी, उसमें जो ये कह रहे हैं कि गारंटी, वो कह रहे हैं गारंटी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सवाल इस बात का है कि अगर आप भ्रष्टाचारियों को धमकाते हैं, सारे के सारे जो भ्रष्टाचारी हैं वो आपकी धमकी, इस तरह की जो चेतावनी है उससे सजग हो जाते हैं, और लोगों ने तो व्यंग करना शुरू कर दिया है, लोग इसका एक तरह से काफी इस पर तरह तरह के कार्टून भी आए हैं,
कि वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नाम की वॉशिंग मशीन में इस तरह से धुल जा रहे हैं कि सीधे पहुंच जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सहयोगी बनकर, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बंगाल हो, असम हो या कोई और प्रदेश हो। अनेक लोगों का नाम लिया जा रहा है कि जैसे ही धमकियां मिलती हैं प्रधानमंत्री की या गृह मंत्री की या बड़े नेताओं की, बहुत सारे लोग विपक्षी नेताओं का दामन छोड़कर सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ या तो कुछ करते हैं या उसके गठबंधन का सहयोगी बनकर चले जाते हैं, जैसे अजीत पवार साहब गए। 70,000 करोड़ के घोटाले की चर्चा भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री ने की और उसके कुछ ही दिन बाद महाराष्ट्र में एनसीपी स्प्लिट हो गई। हमने सबने देखा एनसीपी के अलावा शिवसेना का क्या हुआ था एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में। और भी बहुत सारे नेता हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। नारायण राणे इसके पहले गए थे, इसके पहले शुभेंदु अधिकारी गए थे, और सबसे बड़ा तो नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं। ईडी से लेकर और तमाम जो एजेंसियां इनके पीछे पड़ी थी, और गृह मंत्री स्वयं अमित शाह जी इनको बता चुके थे कि कैसे ये घोटालेबाज हैं। और आज की तारीख में अमित शाह जी के सबसे बड़े अगर लेफ्टिनेंट हैं हिमंता बिस्वा शर्मा है, और शुभेंदु अधिकारी भी कम नहीं। उनके खिलाफ तो नारदा सारदा में मामला था, लेकिन आज की तारीख में अपोजिशन लीडर हैं और सबसे बड़े झंडा बरदार हैं एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में। तो कुल मिलाकर हालत यह है कि मौजूदा जो रिजीम है, मौजूदा जो मोदी सरकार है, वो विपक्ष के बगैर चुनाव लड़ना चाहती है। किस तरह का चुनाव, किस तरह के चुनाव की परिकल्पना इस समय दिखाई दे रही है, तो ये जो बड़ा प्रश्न है, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी के कन्विक्शन, राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी के, याद रखिएगा किसी आम आदमी की याचिका नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केसेस किए हैं उन पर, ज्यादातर जितने एफआईआर हैं ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके कार्यकर्ता या उनके समर्थकों की ओर से है। और ये जो केस है जिसमें उनको कन्विक्शन हुआ है वो तो बाकायदे पूर्व मंत्री हैं। तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को केसेस में फंसा करके उलझाना या उनको जेल भिजवाना, ये किस तरह की राजनीति है, और डेमोक्रेसी में क्या इस तरह की राजनीति को जायज ठहराया जा सकता है? इसी सवाल के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।